आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया रविवार 7 मई 2023 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। विगत 2 दिनों से प्रभु श्री जी की नगरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाथद्वारा के दौरे की ही चर्चाएं चल रही हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रधानमंत्री के दौरे की पूर्व तैयारियों के हैं, जिसमें राजनेताओं सहित प्रशासनिक अमला दिखाई दे रहा है। जो प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियों में लगा हुआ है, वहीं आम जनमानस में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दौरे और उनकी पूर्व की स्मृतियों को ताज़ा करने की होड़ सी लगी हुई है। जो चित्र आप देख रहे हैं यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे तब प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे, तब का है। चित्र में उस समय के भाजपा नेताओं सहित श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, नाथद्वारा के तत्कालीन विधायक कल्याण सिंह चौहान आदि दृश्यमान हैं। अर्थात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूर्व में भी श्री जी के आशीर्वाद ले चुके हैं और यहाँ से भली भांति परिचित हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के संदर्भ में स्थानीय सांसद दिया कुमारी जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैडम आज दौरे को लेकर क्या तैयारियां? बिल्कुल, हमारे सम्मानीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है नाथद्वारा का। वो पधारेंगे, श्रीनाथ जी के दर्शन भी करेंगे और उसके बाद एक आम सभा भी है और उसकी तैयारी में हम सभी जुटे हुए हैं। मेरे साथ प्रशासन भी है, कलेक्टर साहब हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं, पूरा हमारी पार्टी के लोग, जिलाध्यक्ष जी, सभी लोग हैं। हम लोग अभी से लगे हुए हैं कि बहुत अच्छा उनका पूरा जो विजिट होगी बहुत अच्छी हो, कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए, कैसे सब कुछ मैनेज होगा उसमें पूरी तरह से हम लोग जुटे हुए हैं। हम सभी मुझे लगता है बहुत उत्साह है सभी में और श्रीनाथ जी के दर्शन भी करेंगे और सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि वो यहाँ पधार रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर क्या कार्यक्रम? बिल्कुल, एक कार्यक्रम तो जो अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे और उसमें एक कार्यक्रम मावली मारवाड़ का जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो भी प्रस्तावित है। बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी सौगात है, जो कि 80 सालों से ये एक डिमांड थी कि ये ब्रॉडगेज होना चाहिए, अमान परिवर्तन होना चाहिए। तो ये आफ्टर ऑल बहुत सालों के बाद यहाँ की क्षेत्र की बहुत बड़ी जो मांग थी उसको उन्होंने पूरा किया और उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। प्रभु श्री जी के दर्शन से पहले आइए आज के उत्सव की कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। विक्रमाब्द 1878 में आज के दिन नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री दाऊजी महाराज ने 4 स्वरूप श्री मथुरेश जी कोटा वाले, श्री विठ्ठलनाथ जी नाथद्वारा वाले, श्री गोकुलनाथ जी गोकुल वाले एवं श्री नवनीत प्रिया जी को पधरा कर 4 स्वरूप का दोहरा मनोरथ किया था। इसी भाव से प्रभु श्री जी में आज का दिवस 4 स्वरूप के उत्सव के दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि प्रभु श्रीनाथ जी में आज उत्सव है अतः सेवा क्रम थोड़ा विशेष रहता है। श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों से बनी
वंदलमाल बांधी जाती है। दिन भर में सभी समय जब भी झाड़ी जी भरी जाती है उसमें यमुना जल भरा जाता है। प्रभु को जो आरती की जाती है उसमें दो समय की आरती थाली वाली की जाती है। भोग सेवा में प्रभु को आज विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त वासुंदी का भोग अरोगाया जाता है, तो राजभोग में अन्न सखड़ी में आज दाख का अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है। और उत्सव भोग के रूप में इलायची युक्त जलेबी के मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। आप सभी को आज के उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। पुष्टिमार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्री जी की इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशिष्ट सेवा चल रही है। इसके तहत प्रभु श्री जी को आज चार स्वरूप उत्सव दिवस के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। आज के दिवस के एक भाव कीर्तन का हल्का सा अवलोकन करते हैं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हर कृष्ण मिलनांतरायम्, नमो देवी यमुने। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरण के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा नूपुर पेंजनिया और बिछियाँ धराई गई हैं। और जो नित्य नवनीत है मंगलकारी है ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। यह पिछवाई उत्सव के कमल के काम वाली और रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के तीन पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई दो गुलाब दानियां भी पधराई गई हैं। और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की त्रिष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो श्री जी को आज केसरी रंग की ही मलमल के वस्त्र धराए गए हैं। और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया गया है। पिछोड़ा रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु किनारी आंशिक रूप से ही दृश्यमान हो रही है अर्थात भीतर की ओर मोड़ दी गई है। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को
मध्य का अर्थात घुटनों तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा एवं मोती से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को केसरी रंग का ही मलमल का फेंटा का साज धराया गया है। फेंटा के ऊपर सिरपेच, मोरपंख की सादी चंद्रिका और मोरपंख का ही कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज मोतियों के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। आज विशेष रूप से श्रीकंठ में प्रभु को मोती की बद्दी के नीचे चंदन की माला जी धराई गई है तो साथ में कली आदि सभी की माला जी भी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज तीन कमल की कमल छड़ी धराई गई है, साथ में मोती के वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को आज दो वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक मोती के और एक सुआ वाले हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में पट उष्ण काल का और गोटियाँ बाघ बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटिकंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जिसमें श्रृंगार में पीले खंड की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई गई हैं। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में नमो देवी यमुने नमो देवी, राजभोग में श्री विठलेश चरण चारु, आरती में एकटी पीठ पिछारी बांधे, शयन में चारु नट भैरव घर बैठे गोविंद, मान के पद में आजनी की बनी राधिका नागरी, पोढ़वे के पद में झीनो पट दे ओट पोढ़े, कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। यदि मनोरथी हो तो प्रभु को चंदन की गोलियां भी समर्पित की जाती हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में श्री वल्लभ की कहानी से प्रभु श्री जी की यह चंदन सेवा कर सकते हैं। इसके पश्चात दो नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा, जो जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा झल कर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर पधराए गए हैं। श्री जी सेवा का जो अन्य सेवा क्रम नित्यवत होता है उसके तहत भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है।
पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। कल ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया से प्रभु श्री जी को कली के श्रृंगार धराए जाने प्रारंभ हो जाएंगे, साथ ही शीतल जल स्नान भी होगा। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हर कृष्ण मिलनांतरायम्, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपुरी के, कुरु भक्तिरायम्। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित, श्री कृष्ण युत भक्त हृदय सतत मतिशयित, हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदय। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। निज कूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया, विलस दलि वृंदे स्मारयसि गोपी वृंद पूजित, सरसमीशव पुरानंद कंदे। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। उपरिवल दमल कमला ऋणद्युतिरेणु परिमलित जल बड़े नामुना, ब्रज युवति कुच कुंभ कुमुकुमा ऋण मुर स्मार यशिमार पितुर धुना। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। अधिरजनी हरिविरत भिक्षु तुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुषे, नयन युगमल्पमिति बहुतराणी चितानि रसिकता निधि तया कुरुषे। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। रजनी जागरज नित राग रंजित नयन पंकजे रहनी हरिमीक्षशे, मकरंद भयमिसेणा नंद पूरिता सततमिय हरसाश्रु मुंचशे। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। तटगता अनेक सुख शारिका मुनिगण स्तुत विविध गुण सीधु सागरे, संगता सततमिय भक्त जनता परिति राजसे रास रस सागरे। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवति जन विरति मोदे, ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुप कृत विनोदे। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने।
हर कृष्ण मिलनांतरायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निज ब्रज जनावनायत गोवर्धने राधिका हृदय गत कर कमले रतिमति सहित रस विठल शासु रतिमति सहित रस विठल शासु कुरु वेणु दिन दावान सरले नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांतरायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने ब्रज परी दृढ़ वल्लभे कदा त्वचरण सरोरुव मीक्षणास्पदम मे तव तटगत वालुका कदाहम सकल निजांगता मुदा करिषे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने वृंदावने चारु बृहद्वने मन मनोरथम पूरय सूरसूति दृगोचर कृष्ण विहार एव स्थिति त्वदीय तट एव भूयात् नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांतरायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारिकाम पूरिके कुरु भक्तिरायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांत रायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्री विठले के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।